भारतीय खिलाड़ियों को लेने की होड़ लगी थी। हर कोई चाहता था कि हम भारतीय खिलाड़ियों को अपने पास रखें। किसी को कप्तान की जरूरत थी, किसी को गेंदबाज की जरूरत थी, किसी को स्पिनर की जरूरत थी। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये खिलाड़ी कौन सी टीम में जाकर शामिल होंगे। इसमें दो तीन नाम ऐसे थे कि सबके जुबान पर थे, जिसमें अर्शदीप सिंह, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे इन खिलाड़ियों की। आईपीएल का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा था, अभी ये नीलामी हो रही थी खिलाड़ियों की, क्रिकेट जगत का जिसकी खुमारी सिर चढ़कर बोलती है। आज हम साझा करेंगे, सबसे पहला नाम था भारत के लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह को लेने के लिए बड़ी होड़ मची थी, जहां पर एक बार ऐसा लग रहा था कि एसआरएच की जो टीम है वो उनको अपने साथ रख लेगी, लेकिन हैदराबाद ने जो बोली लगाई, अंतिम बोली 18 करोड़ पर गई। लेकिन पंजाब ने अपने आरटीएम का इस्तेमाल किया, राइट टू मैच, वहां पर 18 करोड़ में पंजाब ने अपने पास रखा। प्रीति जिंटा की टीम में चले गए अर्शदीप सिंह। दक्षिण अफ्रीका के रबादा को 10 करोड़ 75 लाख में गुजरात ने अपने पाले में रखा। लेकिन जब अय्यर का नाम आया, श्रेयस अय्यर, जो कि भारत के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, भारतीय बल्लेबाज भी हैं, और इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स का जब वो हिस्सा थे तो उन्होंने विजेता बनाया था, दिल्ली की टीम में भी वो खेल चुके हैं, एक लंबा अनुभव है। अतः यहाँ पे जरूरत थी कुछ टीमों को अपने कप्तान की, जिसमें पंजाब थी, दिल्ली थी, कोलकाता भी चाहती थी कि अपने पास रखें। लेकिन सभी टीमों ने, अगर मैं चेन्नई को छोड़ दूं, तो सब ने अय्यर के नाम पर बोली लगाई और एक बड़ा धमाका हुआ श्रेयस अय्यर के लिए। अय्यर बार दिल्ली भी उनको लेना चाहती थी, लेकिन होड़ में पंजाब ने अंतिम समय तक बोली लगाई और पंजाब ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में श्रेयस अय्यर को खरीद लिया। कप्तान की भी जरूरत थी पंजाब को। उसके बाद बटलर का नाम आया। बटलर राजस्थान रॉयल्स के लंबे समय से हिस्सा रहे, एक ओपनर के तौर पर भी बटलर, मैं कहूँ इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव, इंग्लैंड की टीम के कप्तान रहे। गुजरात की टीम ने यहाँ पर बटलर को 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। उसके बाद नाम आया दिल्ली ने, स्टार को 11 करोड़ 75 लाख की राशि में खरीद लिया। जब नाम आया पंत का तो शोर हो रहा था कि आखिर पंत किधर जाएंगे, क्या दिल्ली वाले ले लेंगे या फिर चेन्नई के पास पंत रहेंगे या गुजरात खरीदती है, आखिर कौन खरीदेगा। पंत पे बोली लगनी शुरू हुई। पंत का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। कोई पंत को लेना चाहता था, जिस तरीके से उन्होंने वापसी की उस दुर्घटना के बाद, आप देखें टेस्ट से लेके हर एक फॉर्मेट का हिस्सा है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बड़ा नाम थे, बड़े पैकेज के रूप में थे, हर टीम उनको लेना चाहती थी। पंत को 27 करोड़ रुपए में लखनऊ ने खरीद लिया। पंत लखनऊ का हिस्सा है इस आईपीएल में, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन जहीर खान कोच के रूप में जुड़े हैं, अतः एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। जहीर खान भी ये चाहते थे कि पंत को अपने पास रखें, एक कप्तान भी उनको मिल गया है। 27 करोड़ रुपए में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया ऋषभ पंत ने इस आईपीएल में अय्यर के बाद। 27 करोड़ रुपए में लखनऊ ने अपने पाले में किया, कप्तान भी उनको मिला, एक विकेट कीपर भी मिला, और दुनिया के सबसे बेहतरीन, मैं कहूँ बल्लेबाज भी हैं ऋषभ पंत। आईपीएल में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। उसके बाद नाम आया चहल का, यूजी चहल, क्योंकि कई टीमों में वो खेल चुके हैं, इससे पहले राजस्थान का हिस्सा थे। बड़ी बोली लगी और 18 करोड़ रुपए में सबसे लंबी बोली लगी स्पिनर की। अगर मैं आईपीएल के इतिहास की बात करूं, 18 करोड़ रुपए में यहां पर ख़रीदा गया चहल को। सिराज का नंबर आया। सिराज इससे पहले बेंगलोर का हिस्सा थे, मोहम्मद सिराज जो कि डीएसपी भी हैं, डीएसपी के पद पर हैं। अब यहाँ पर सिराज पर जब बोली लगती है तो 12 करोड़ 25 लाख रुपये में गुजरात ने सिराज को खरीद लिया। लखनऊ का हिस्सा थे केएल राहुल, कुछ विवाद भी टीम के मालिक के साथ, जो कि सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, टीम के मालिक के साथ उनका विवाद हुआ। केएल राहुल को दिल्ली की टीम ने 14 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उसके बाद राहुल त्रिपाठी का नाम आया। राहुल त्रिपाठी पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी दाव खेला, जो कि 75 लाख उनका बेस प्राइज था। चेन्नई भी चाहती थी, क्योंकि एक ओपनर के तौर पर राहुल को उनको वो मिल जाएंगे, राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी को चेन्नई ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया। उसके बाद सचिन रविंद्र का नंबर आया। सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, इससे पहले वो चेन्नई में खेल चुके हैं, चेन्नई उनको लेना चाहती थी, और एक बार फिर चेन्नई के ही हुए 4 करोड़ की राशि में सीएसके ने उनको खरीद लिया। अश्विन पर बड़ी बोली लगी, जो कि वो राजस्थान का हिस्सा थे। अश्विन के पास एक लंबा अनुभव भी है, और कुछ समय पर आपने देखा आईपीएल में वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन चेन्नई की टीम ने लगातार उन पर बोली लगाई और अश्विन को 9 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया गया। लेकिन धमाका उस समय हुआ जब वेंकटेश अय्यर का नाम आया। वेंकटेश अय्यर इससे पहले आप देखिए भारत की टीम में भी खेल चुके हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में भी गिने जाते हैं, अच्छी लंबी हाइट है,
कुछ चैंपियन उन्होंने बनाया था वहाँ पर। फाइनल में उन्होंने ज़बरदस्त क्रिकेट खेला था और मैं कहूँ कुछ पारियाँ उनकी शानदार थीं। अतः ये था कि क्या अय्यर को लेती है, लेकिन पंजाब ने लंबी बोली लगाई अय्यर पे, अय्यर को लेना चाहती थी। श्रेयस अय्यर के बाद मैं कहूँ वेंकटेश अय्यर पर बहुत बड़ी बोली लगी और बाद में उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पास ही रख लिया। 23 करोड़ 75 लाख रुपए में यहाँ पर ख़रीदा गया वेंकटेश अय्यर को। उसके बाद मार्कस स्टोनिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, इससे पहले वो लखनऊ का हिस्सा थे, लेकिन इस बार पंजाब की टीम ने उनको 11 करोड़ रुपए में ख़रीदा। जो भी पंजाब की टीम में ऑस्ट्रेलिया के लोग जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जा रहे हैं, तो वहाँ पर रिकी पोंटिंग बैठे थे, पोंटिंग जो कि कोच हैं इस बार, तो वहाँ पर वो बात कर रहे थे मिचेल मार्श को यहाँ पर लखनऊ की टीम ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में ख़रीदा। वार्नर को कोई ख़रीदार नहीं मिला, 2 करोड़ उन्होंने अपना प्राइज रखे था। पार्टिकल को भी कोई नहीं मिला, पार्टिकल को भी यहाँ पर खामोश रहना पड़ा, पार्टिकल को भी कोई ख़रीदार नहीं मिला। लेकिन एसआरएच ने फिर एक बार बड़ी बोली लगाई और ईशान किशन, जो कि लग रहा था कि मुंबई उनको अपने पास रखेगी, मुंबई के जो वहाँ पर मालिक थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन मुंबई ने उन पर दिलचस्पी दिखाई, लेकिन अंत में उनको एसआरएच ने ख़रीदा। 11 करोड़ 25 लाख की राशि दी एसआरएच ने और वहाँ पर ख़रीद लिया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी टीमें थी जिसमें पंजाब का जो पॉकेट था, पंजाब के पॉकेट में बड़ा पैसा था, पंजाब ने लंबी लंबी बोलियाँ लगाई, कुछ तेज़ गेंदबाज भी उनको टीम को चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारे कोच को भी बदला गया है। अतः लखनऊ की टीम में भी कुछ आपको खिलाड़ी मिलेंगे, दिल्ली की टीम में भी कुछ मिलेंगे, जो दिल्ली में कभी पंत खेल रहे थे अब वो लखनऊ की टीम में खेलेंगे। तो एक बड़ा आईपीएल ऑप्शन यहाँ पे हुआ, जहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों पर बोली लगी। की बात करें श्रेयस अय्यर की, बात करें वेंकटेश अय्यर की, बात करें इन खिलाड़ियों को अच्छे खरीदार मिले। खरीदार क्या था, इन खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगी इस आईपीएल में। दूसरे दिन भी बोली लगने वाली है आईपीएल की, देखते हैं कौन से खिलाड़ी किस टीम में जाएंगे। लेकिन मालिक ऑलराउंडरों पर भी बोली लग रही थी, कि ऑलराउंडरों में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई आईपीएल की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।